विधायक के बड़े बोल, कहा प्रियंका गांधी का नहीं है कोई ग्लैमर। रायबरेली से ये खबर। समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने कहा कि रायबरेली में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। 3 विधानसभा में जमानत जब्त हो गई है। प्रियंका के ग्लैमर पर कहा कि रायबरेली में जनता का ग्लैमर है और वही चलेगा, उन्हें जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है। मनोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, कहा जिस व्यक्ति का परिवार 140 करोड़ लोग है उस व्यक्ति पर परिवार न होने की टिप्पणी करना गलत है। वे आज अपने देश को लोगों को 2 जून की रोटी के लिए राशन दे रहे हैं। वह ये भी कहते हैं कि भारत का हर नागरिक मेरा है, तो ये गर्व का विषय होना चाहिए। रायबरेली से राहुल कुमार की खास रिपोर्ट। मतलब मोदी मेरा परिवार करके बीजेपी का अभियान चला रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना सहमत है इससे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत जो देश है, इस देश में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मरे। यहाँ आदिकाल से ये परंपरा रही है, चाहे ऋषि रहे हों चाहे मुनि रहे हों, और जब राजतंत्र में राजा हुआ करते थे तो राजा की जो प्रजा होती थी वो उनका परिवार माना जाता था। और आज इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, एक चुने हुए व्यक्ति, जनता का जनादेश जिनके साथ है, जिनके साथ जनता है, वो अगर अपनी चिंता करेंगे तो उन्हें जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हों और चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों या विभिन्न दायित्वों पे जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं या हम विधायक हैं, तो हमें केवल अपने परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऊंचाहार हमारा परिवार है, ऊंचाहार के सुख दुख के हम जिम्मेदार हैं। और किसी व्यक्ति पर ये केवल निशाना साधना कि लोग परिवार जिनका नहीं है, तो उनका परिवार 130-135 करोड़ लोग हैं, उस परिवार की चिंता अगर वो कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को आज 2 जून राशन देने की बात कर रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत के रहने वाला हर नागरिक हमारा देश है, हमारी जनता और हमारा परिवार है, तो ये गर्व का विषय होना चाहिए देश में रहने वाले लोगों का, और लोगों को ऐसे ओछे बयानों से बचना चाहिए। राजभर जी का एक बयान जो है आज वायरल हो रहा है, जिसपे वो जो है पूर्वांचल का अलग राज्य बना के खुद मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। देखिए, ये तो राजभर जी ही आपको बता पाएंगे कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और इस बयान के पीछे उनका क्या मकसद है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। रायबरेली का लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, क्या लग रहा है, क्या रहेगा रायबरेली का? नहीं, ये तो भाजपा का जो नेतृत्व है वो तय करेगा कि उसका क्या भविष्य। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति के नाते कांग्रेस का क्या, जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, तो क्या रहेगा, क्या लग रहा है इस पर आपको? प्रत्याशी भी गढ़ किस चीज़ का, किस चीज़ की गढ़ की बात करते हैं आप? रायबरेली में 3 विधानसभाओं में जिनकी जमानत जब्त हुई हो, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है जनपद में, जिन्होंने रिश्ता ही केवल ये रखा हो कि केवल चुनाव लड़ना है, और 5 साल तक आपको शायद ध्यान नहीं है, किसान टकटकी लगा करके देख रहा था कि हमारा सांसद कब आएगा, बेरोजगार नौजवान ये देख रहा था कि कब हमारी मदद में कांग्रेस के लोग खड़े होंगे और कब हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ी होंगी। इसी इन्हीं गांव में रहने वाले लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे कि हमारी सड़क आखिरी सांसद निधि से कब बनेगी। वो माँ, वो पिता जिसका जवान बेटा फांसी लगा करके मर गया, वो टकटकी लगा कर देख रहा था कि जो हमारे जनपद का गार्जियन है, जिसको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, वो कब हमारे दुख में शामिल होगा, और अगर शायद इन सुख और दुख में लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें जनता से वोट मांगने का और लेने का अधिकार नैतिक रूप से कतई नहीं रहता।